क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझ आला। फरहान भाई, अगर सोया को पता चल गया कि मैंने उसकी जगह फोटोशूट किया है तो आप जानते हैं ना क्या होगा। तुम जोया की फिक्र ना करो, मैं और मामा जोया को संभाल लेंगे। तुम बस हाँ कह दो प्लीज। रिहाना, क्या ये सच है कि छोटी बीबी ने तस्वीरें बनवाने से मना कर दिया? हाँ हाँ, छोटी बेगम साहिबा को नबील साहब पर बहुत गुस्सा है। मुझे पता है क्यों गुस्सा है। और पता है, वो चाहती है कि नबील साहब उनसे माफी मांगे। तो क्या नबील साहब माफी मांगेंगे उनसे? कुछ भी हो जाए, नबील साहब छोटी बेगम साहिबा के आगे हथियार डाल कर ही रहेंगे। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इतनी जल्दी उनको कौन मिलेगा तस्वीरें बनवाने के लिए। नूर, ये तुम हो? मुझे तो लगा मेरे सामने कोई मॉडल खड़ी हुई है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे पता है मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने आपसे कहा था मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरा यकीन मानो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। देखा नबील, मेरी सिलेक्शन कभी खराब हो ही नहीं सकती। हमारे इस फोटोशूट के लिए इससे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता था। अच्छा आओ, इधर आओ। आजो आजो आजो। अब मजा आएगा नबील, वो खुद भागता हुआ मेरे पास आएगा। आ जाओ नबील। जोया, दादी, आप अगर मुझे समझाने आई हैं तो कोई फायदा नहीं। नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी से बात करने आई हूं। दादी, आपको नहीं लगता कि नबील को आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए? देखो बेटा, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। ओह, तो आपको भी यही लगता है कि मैं गलत हूं? नहीं बेटा, कभी कभी कोई भी गलत नहीं होता, बस इंसान कुछ गलत फहमियों में उलझ सा जाता है। मैं भी तो तुम्हें यही समझा रही हूं ना कि मर्दों को हर वक्त औरत का जिद करना अच्छा नहीं लगता। देखो, वो भी तो चाहते हैं ना कि कभी कोई उनको मनाने के लिए आए, उनसे बात करे। तो आप ये चाहती हैं कि मैं नबील के सामने झुकूं? बेटा, रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी औरत को भी झुकना पड़ता है। तो मेरी बात समझ रही हो ना? जिस काम में अपना फायदा हो उसे बिना झिझक कर लेना चाहिए। Let me smile, please. थोड़ी सी। Okay. Hands on your chin. हाँ, इस तरह, right, exactly. And this one. This one is good. This one is good. मैं एक ही कॉल रिसीव करके आता हूं। हेलो। हाँ,
अच्छी लग रही हो। मोर लगी तो नहीं? नहीं, थैंक यू। इट्स ओके, मैं ये हाथ हमेशा के लिए थामना चाहता हूं। कह दो जो दिल में है। हाँ चले स्टार्ट करें, आप इधर तशरीफ लिए। नूर थोड़ा स्माइल प्लीज। यस नहीं बेटा, कभी कभी कोई भी गलत नहीं होता, बस इंसान कुछ गलत फहमियों में उलझ सा जाता है। मैं भी तो तुम्हें यही समझा रही हूँ ना कि मर्दों को हर वक्त औरत का जिद करना अच्छा नहीं लगता। देखो वो भी तो चाहते हैं ना कि कभी कोई उनको मनाने के लिए आए, उनसे बात करे। बेटा रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी औरत को भी झुकना पड़ता है। दादी ठीक कह रही थी, मुझे अपने रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी नबील की भी सुननी होगी, आखिर मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वो इस वक्त परेशान है, मुझे उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। नूर बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन अम्मी मैं। नूर मैं जो कह रही हूँ वो करो। अब तुम इसकी हिफाजत करोगे नबील? इसे बचाने के लिए मेरे सामने खड़े हो जाओगे तुम? हाँ मैं नूर पे कांच नहीं आने दूंगा। नूर ये यहाँ क्या कर रही है? नूर बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन अम्मी मैं। नूर मैं जो कह रही हूं वो करो, अभी इसी वक्त बाहर आओ जल्दी। नूर क्या हुआ, आंटी क्यों गुस्से में? कुछ भी नहीं, मैं अभी आती हूँ। ये आंटी नूर पे इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? यार बहुत अजीब औरत है, अपनी औलाद के साथ सौतेलों वाला रवैया रखती है, भला कौन करता है ऐसा। खैर एनीवेज तो ये देख,
लगता है मेरी बेटी को मेरी बात समझ आ गई। जी दादी, थैंक यू सो मच। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके। अम्मी, ये जोया तैयार होके कहाँ जा रही है? जहाँ उसे जाना चाहिए। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैंने उसे समझाया है और वो समझ गई है। नबील के पास गई। नबील से मिलने? वो बहुत अकलमंद है। उसने अपनी और नबील की नाराजगी खत्म कर दी है और फोटो शूट के लिए गई। क्या बात है अम्मी? क्या बात है, बात तो अब होगी। आओ मेरे साथ। अम्मी कहाँ लेकर जा रही हैं? बात क्या है? ये तुम क्या कर रही थी नूर? फोटो शूट। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मेरी बात कब मानोगी। थक गई हो तुम्हें समझा समझा कर। अम्मी मैं ये नहीं करना चाहती थी। फरहान भाई ने जिद की, उन्होंने कहा कि अगर ये फोटोशूट नहीं हुआ तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो तुम मान गए और अपनी माँ को बताना मुनासिब ही नहीं समझा? नहीं अम्मी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन आप वहाँ थी नहीं। रहने दो नूर, तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि अगर जोया बीबी को पता चला कि तुमने उनकी जगह ले ली है तो क्या होगा। मेरा यकीन करें, मैं नहीं करना चाहती थी। फरहान भाई जिद कर रहे थे इसलिए मुझे करना पड़ा। अब तुम इतनी नन्ही बच्ची भी नहीं हो जो ये बातें कर रही हो। खुदा का वास्ता है नूर, मेरी मुश्किलात में और इजाफा मत करो। जाओ और जाके फरहान साहब को मना करो ये सब करने से। लेकिन अम्मी मैं ऐसे बस, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। ये सब तुमने शुरू किया है ना, इसे तुम ही खत्म करोगी। जाओ जाके खत्म करो ये सब कुछ। अब ये आंसू मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कमरे में जा रही हूं, फौरन मुझे कमरे में आके मिलो, समझी? नूर, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन लिया। मैं क्या करूं? मैं तो ये शूट करना भी नहीं चाहती थी। फरहान भाई ने जिद की इसलिए मुझे करना पड़ा। आप ही बताएं कैसे निकलूं इस मुश्किल से मैं। तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो। कौन सा दिल, कैसा दिल? मेरे दिल की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दिल की सुनो। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रोना बंद करो। तुम आते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है? छोटी बीबी वो तो जा चुकी। जा चुकी है? क्या मतलब? तो दोबारा बुला उसे, मुझे रेडी होना है शूट के लिए। छोटी बीबी शूट तो खत्म हो चुकी है। क्या मतलब शूट खत्म हो गया? फरहान ने मेरे बगैर किससे शूट करवाया? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बताओ मुझे। छोटी बीबी नूर से करवाई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो? ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ ये नूर की बच्ची? उसकी हिम्मत कैसे मेरी जगह लेने की? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बताओ मुझे कहाँ है वो? छोटी बीबी वो स्टूडियो में। नूर कहाँ है? वो वॉशरूम में है। ठीक है तुम जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। मत कैसे हुई? सोया। ये शूट कर ले। सोया। चांस मत। सोया। छोड़ो। तुम्हें ज़्यादा नहीं छोडूंगी। तुम्हें चांस से मार दूंगी। कैसे किया तुमने ये फोटो शूट? हाँ? कैसे किया तुमने ये फोटो शूट? सोया मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फरहान साहब, फरहान साहब, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? जी वो छोटी बेगम साहिबा वापस आ गई हैं। जोया वापस आ गई है? जी, और उन्हें पता चल गया है कि नूर ने शूट की है और वो बहुत गुस्से में। कहाँ पर है वो? जी वो स्टूडियो में। तुम्हारी इतनी औकात क्या? तुम मेरी जगह लोगी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जोया छोड़ो, छोड़ो मुझे फरहान, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। फरहान हट जाओ मेरे बीच में से। छोड़ो इसको, मैं पागल हो गई, छोड़ दो। हाँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे फरहान। बंद करो ये पागलपन। आज मैं इसे जान से मार दूंगी। उसने मेरी जगह ली कैसे फरहान? मैंने कहा था उसे तुम्हारी जगह लेने को। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं क्या करता जोया? तुमने लास्ट मोमेंट पे आने से इनकार कर दिया। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अगर नूर ना होती तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होता? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अगर मैंने ये शूट नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा, समझे तुम? स्पीक कर दो अब, क्या तमाशा मचा रही हो तुम? अब तुम इसकी हिफाजत करोगे नबील? इसे बचाने के लिए मेरे सामने खड़े हो जाओगे तुम? हाँ, मैं नूर पे कांच नहीं आने दूंगा। मतलब ये तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अहम है? इसको तुम्हें जाना। बेवकूफों वाली बात मत करो। तुम चलो, चलो हटो, चलो, चुप, चलो। परवीन हाला, परवीन हाला, आपकी बेटी नूर को क्या हो गया? नूर को, उसको छोटी बेगम साहिबा बहुत बुरी तरह से मार रही हैं। क्या? आप चलें मेरे साथ, जल्दी जल्दी चलें। जोया आखिर तुम्हारा मसला क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो नबील के मेरा मसला क्या है? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना? हाँ, क्योंकि तुम बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। अच्छा, मैं बेवकूफों वाली बातें कर रही हूँ? हकीकत तो ये है नबील की, जब से वो नूर इस घर में आई है तुम्हें उसकी हर बात सही और मेरी हर बात गलत लगती है। क्यों? सही कह रही हो ना? I think you like her. जोया अपने कमरे में जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, पहले मुझे जवाब दो। तुम उसे पसंद करने लगे हो ना? बताओ मुझे। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं आज। जोया, जोया आप कोई उल्टी हरकत मत करना, चुप करके अपने कमरे में जाओ। मैं तुम्हारी अब किसी बात में नहीं आने वाली हूँ, समझे तुम? ठीक है, फिर मैं घर वालों को जाके कह देता हूँ कि रिश्ता खत्म कर दे।
तुम ठीक हो ना? तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, I'm extremely sorry. मैं अभी मामा को बता के आता हूँ. नहीं प्लीज, नहीं फरहान भाई, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो आप किसी को नहीं बताएंगे. आज जोया ने हद ही कर दी है. आपके आगे हाथ जोड़ती, इस बात को आगे मत बढ़ाएं, यही खत्म कर दें. वो लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. अब खुदा के वास्ते किसी से कुछ मत कहिएगा, मैं ठीक हूं. ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा. क्या किया है तुमने जोया बीबी के साथ? मैंने क्या किया है? आपको मेरी चोट नजर नहीं आ रही और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने जोया के साथ क्या किया? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या किया है तुमने जोया बीबी के साथ? क्या हो गया है आपको? आपको अपनी बेटी नजर नहीं आती, क्यों करती हैं आप उसकी इतनी फिक्र? नूर, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि हमारा इस घर में रहना बहुत जरूरी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना हमें इस घर से बाहर जाना पड़े. उसके लिए चाहे आपकी बेटी को कुछ भी हो जाए. फजूल बातें मत करो. तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना अब मामला और भी खराब हो गया. मेरे साथ जो होना था ना वो हो गया. आप फिक्र मत करें, मैं किसी को शिकायत नहीं लगाऊंगी. तुम क्या शिकायत लगाओगी? गलती तुम्हारी है, शिकायत तो अब जोया बीबी लगाएंगी और मुझे ही जाके माफी मांगनी पड़ेगी. मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब खत्म करके कमरे में आ जाओ. ये जो कुछ भी हुआ है ना मुझे पता था, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? लड़की ने तो मेरा जीना दूभर कर दिया है, अब मैं क्या करूं? मैं इस रिश्ते के बीच में नहीं आ सकती. मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे और जोया के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है. जो भी है नबील, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, चले जाए यहां से. यहाँ क्यों आए हैं? चले जाएं यहाँ से. नूर, आज जोया ने जो कुछ किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ तुमसे. आप नहीं जा रहे, मैं ही चली जाती. नूर, क्यों कर रही हो ऐसे? हाथ छोड़े मेरा और चले जाएं यहाँ से. अगर जोया ने आपको यहाँ देख लिया ना तो मेरे लिए फिर एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी. वो कुछ नहीं कहेगी, मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया. आपने उसको समझा दिया ना, लेकिन अपना ख्याल तो मुझे खुद ही रखना है ना नबील. मैं किसी का घर बर्बाद करने की मुजरिम नहीं बन सकती, इसीलिए मैं खुद ही यहां से चली जाती. रुको नूर, मेरा और जोया का जो रिश्ता, आपके और जोया के दरमियान जो भी रिश्ता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं इस रिश्ते के बीच में नहीं आ सकती.
मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और जोया के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। जो भी है नबील, गलती तुम्हारी थी। फोटोशूट से तुमने खुद इनकार किया था और अब इल्जाम किसी और पर लगा रही हो। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? मॉम अब हमेशा दो कौड़ी की लड़की की तारीफ करती है, उसी की साइड लेती है। मैं अब से नफरत करती हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लेना, यू नो व्हाट, मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। जोया, जोया, जोया बेटा रुको। जोया, जोया, जोया बेटा दरवाजा खोलो। जोया देखो कुछ भी है, तुम अपनी दादी से तो बात कर सकती हो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मॉम, फरहान, नबील सब उस नूर की बच्ची से प्यार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है नबील, ऐसा नहीं कर सकता। वो तुमसे प्यार करता है जोया। नहीं दादी, नबील भी मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे अब प्यार नहीं करता। नूर ने नबील को मुझसे छीन लिया है। चली जाए यहां से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दे मुझे। हाँ
औलाद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे माफ कर दो नूर, मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो। तुम मेरी अपनी औलाद नहीं हो, फिर भी मेरी कितनी इज्जत करते हो। मार खाते रही मुझसे और कुछ नहीं कहा। और एक वो है जो कि मेरी सगी औलाद है और अपनी ही माँ को मार रही है। लैला, ये सब कुछ जो हुआ है इसके बारे में हाशिम को कुछ नहीं बताना। क्यों अम्मी, क्यों ना बात करूं हाशिम से? उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी बेटी क्या क्या हरकतें करती फिर। तुम क्या चाहती हो कि बाप के दिल में बेटी के लिए नफरत पैदा हो जाए? लेकिन वो ही इसको समझा सकते। तुम लोग काफी हो ना उसे समझाने के लिए। हाशिम को इस बात से दूर रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बड़ी बेगम साहिबा, छोटी बीबी अपने कमरे में बहुत रो रही है और खाना भी नहीं खाया उन्होंने। ये सब उस नूर की वजह से। नूर ने कुछ नहीं किया, ये सब जोया की वजह से।
अपनी बहन को छोड़कर उस पराई लड़की की तरफदारी कर रहे हो तुम। दादी जोया मेरी बहन है तो क्या हुआ, जो बात गलत है सो गलत है। फरहान, फरहान तुम क्यों अपनी दादी से बहस कर रही, जाओ अपने कमरे में। देखा, इस फरहान पर भी उस लड़की का जादू चल गया, और क्या पता कल बहक कर नबील भी उसके जाल में फंस जाए। अम्मी मुझे पूरा यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ऐसा होने का इंतजार नहीं करूंगी, तुम जाओ और अपनी बहन से इनकी मंगनी की बात करो, बल्कि तारीख पक्की करके आओ। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना होगा जिससे ये मामला ठीक हो। नबील और जोया दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। मैं अपनी बेटी की खुशी को इस तरह खत्म नहीं होने दूंगी, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा, मुझे अपनी जोया के लिए कुछ करना होगा, मुझे नबील से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। हाँ अम्मी, खाना खा ले। नहीं खाना, मुझे खाना। से ऐसे क्यों नाराज होती हैं? आपने अपना गुस्सा तो निकाल लिया मुझे मार कर, खाने से कैसी नाराजगी, खाना तो खा लें। नहीं खाना, मुझे खाना, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चली जाओ यहां से। लेकिन अम्मी, नूर मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, खुदा के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से।